शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने एक जमीन घोटाले के मामले में समन भेजा है। साथ ही ईडी ने संजय राउत को समन भेजकर मंगलवार को मुंबई में पेश होने के लिए कहा है। ये समन पात्रा चाल भूमि घोटाले से जुड़े मामलों में भेजा गया है। तो वहीं ईडी का ये समन उस वक्त आया जब महाराष्ट्र में गंभीर सियासी संकट जारी है। खासकर शिवसेना के लिए ये हाल के वर्षों में सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी है। दरअसल शिवसेना के कई विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत पर उतर आए हैं और गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं शिवसेना की कमान किसके हाथ में होगी, इसको लेकर तमाम अटकलें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।